यूपी के कानपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की दुबई नगर शाखा से लॉकर में रखे 1.5 करोड़ के जेवरात चोरी हो गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉकर चेक करने का मैसेज आने के बाद परिवार लॉकर चेक करने के लिए पहुंचा था। ब्रांच मैनेजर के साथ पीड़िता की बेटी लॉकर चेक करने पहुंची तो उसने देखा कि लॉकर खाली है और जेवरात गायब है। ये देखते ही उनके होश उड़ गए, लॉकर टूटा हुआ था। उन्होंने फौरन घटना की सूचना पुलिस को दी। नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित बसंत विहार निवासी सूर्य कुमार अवस्थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर है। परिवार में पत्नी रमा, बेटी श्रद्धा, बेटे शशांक और बहू के साथ रहते हैं। शशांक नोएडा में एक प्राइवेट फैक्ट्री में इंजीनियर है। रामा अवस्थी बैंक ऑफ बड़ौदा की दुबई नगर शाखा में 40 साल पुरानी कस्टमर है। इसी बैंक लॉकर से जेवर चोरी हुए हैं, उसमें रामा, उनकी बहू, ननद और बेटी के जेवरात थे। एसीपी आशीष पांडे के मुताबिक एक महिला ने शिकायत की है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉकर है, लॉकर से जेवरात गायब है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बैंक लॉकर से छेड़छाड़ होना बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार से कहा गया है कि तहरीर दीजिए, फिर इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी। सूरज कश्यप की रिपोर्ट। एक श्रद्धा शुक्ला नाम की महिला है, जिन्होंने शिकायत किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा लॉकर है और उसमें पैसे गायब है। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया लॉकर से छेड़छाड़ होना पाया जा रहा है और जो श्रद्धा जी हैं उनसे कहा गया है कि आप तहरीर दीजिए, उस पर अभियोग पंजीकृत करके आगे जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई है, वो की जाएगी। अभी सारी जांचें हैं, अब हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर उनके मुकदमे लिखने के बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। कितने के लगभग गहने हैं? और इन्होंने बताया है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ के लगभग की ज्वेलरी है, इनका बताना है। इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। अभी उसमें तहरीर लेकर कार्रवाई की जा रही है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।